हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पे। डीए स्टूडेंट्स, जो भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की प्रोफाइल पे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू गाइस। आज मैं बात करूंगा डैफ की डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की। डीए स्टूडेंट्स कमीशन ने आपको मेल पे एक लिंक भेजा होगा डैफ के लिए, और उस लिंक के थ्रू आपको अपना डैफ कंप्लीट करना था, आपका डैफ फिल आउट करना था। डीए स्टूडेंट्स, डैफ को आप बहुत ही एक यू कैन से कि बहुत ही केयरफुली आपको उसको फिल करना है। उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करने के बाद ही आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करके और अपने डैफ को सबमिट करना है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं उस डैफ की। डीए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कुछ आपका फॉर्म जो है अप्लाई किया होगा, एंड जब आप उस लिंक को खोलोगे तो आपके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स आपके बारे में पॉप आउट होंगी, जैसे कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, विमलेश, जो भी आपका डिटेल जो चीज़ें हैं वो आपको फिल आउट करनी थी, जैसे कि ये सब आप डोमिसाइल है यूपी के नहीं है, कैटेगरी क्या है एंड ऑल दैट, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये आपका पेमेंट का यू कैन से कि एक ब्योरा रहेगा। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बड़े ध्यान से भरनी है कि आप आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, येस और नो, और अगर आप यूपी एक्स आर्मी से हैं, येस और नो, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी हैं, येस और नो, इन सब चीज़ों को ध्यान से भरना है। और ख़ासकर आपको जो कैटेगरी वाइज चीज़ें उनको एकदम सही तरीके से भरना है। आप अपने कंप्लीट सर्विस को किया है 5 साल या नहीं, सारी की सारी चीज़ें, आप यूपी के हैंडीकैप हैं या नहीं है, इन सारी की सारी चीज़ों को आपको बड़े अच्छे से ध्यान से भरना है। कोई भी यस और नो को आप ब्लाइंडली आप ना भरें। ये आपकी फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की डिटेल्स हैं, ये आपके बोर्ड हाई एंड इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जामिनेशन की डिटेल्स हैं, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से आपको फिल आउट करनी है। कोई भी यहाँ पे आपको जो है गलती करने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि डिप्लोमा डिग्री है या नहीं है, आप येस और नो, ठीक है, एंड ये आपकी ब्रांच आ गई। क्वालिफिकेशन में आपको एकदम अच्छे से भरना है कि ये कैंडिडेट हुआ है सर्वड इन द टेरिटरी आर्मी ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 2, तो यहाँ पे भी आपको बताना है येस और नो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कैंडिडेट की एड्रेस डिटेल, तो आपका जो भी एड्रेस डिटेल्स है उसको भी आपको अच्छे तरीके से फिल आउट करना है, और यहाँ पे सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ना है कि इसने क्या कहा है। ये जो है डिटेल्स आपको ऐसे ही नहीं डिटेल्स दी जाती हैं और ऐसे ही आपको टिक नहीं करवाए जाते। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपने सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट वो आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। सेकेंड, जो भी आप यहाँ पे एंट्रीज डालोगे या जो भी आप स्टेटमेंट दोगे वो ट्रू होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप भरोगे ना एप्लीकेशन, ये ट्रू माना जाएगा, ये आपके लिए सही माना जाएगा, इसमें करेक्शन की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए ये आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, आप एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे तो प्रोसेस होने का एक पॉप आउट आएगा, सबमिशन की यहाँ पे डेट आ जाएगी, और उसके बाद में आप इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं जिसमें आपने क्या डिटेल्स फिल आउट की हैं वो सब के सब आपके सामने पॉप आउट हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक डिटेल्स हैं आपकी सारी की सारी, बट यहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से इस डिटेल्स को फिल आउट करना है, कोई भी इसके अंदर गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपीपीएससी के मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन और ऑफलाइन देने में, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम निम्बस लर्निंग का इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। अगर आप ऑफलाइन में देना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जैसे कि इलाहाबाद है, जैसे लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में जाके आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है ऑफलाइन में, तो डेफिनेटली आपके लिए ऑनलाइन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अगर आप अपना मॉक इंटरव्यू स्केड्यूल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल आउट कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आपका मॉक अरेंज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आपको डेफ ध्यान से भरना है वंस अगेन। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.